हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन. इट्स मी रोजी मैम हियर इन द टुडेज लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, इन अवर टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर गेम्स एंड स्पोर्ट्स. सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे. ये जो 7 चैप्टर हैं, इसमें आपका जो कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो रहेंगे. सो चैप्टर नंबर 7, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसमें आपकी 5 जो गेम्स हैं वो आती हैं. फर्स्ट वन है आपकी क्रिकेट, सेकंड वन है आपकी बास्केटबॉल, थर्ड वन है ये टेबल टेनिस. ये जो तीनों गेम्स हैं सब, इसकी हमने क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमने क्रिकेट, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस की हिस्ट्री पढ़नी है. देन आफ्टर दैट उनकी डायग्राम्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं गेम्स के, देन डेफिनेशंस क्या हैं और फंडामेंटल स्किल्स क्या हैं. देन आफ्टर दैट योर फोर्थ गेम इज़ एथलेटिक्स. एथलेटिक्स में हमने क्या पढ़ना है, ट्रैक एंड फील्ड के बारे में पढ़ना है, उसकी हिस्ट्री क्या है. देन ट्रैक एंड फील्ड के रूल्स क्या हैं, फील्ड की डायग्राम क्या है, ये पढ़ना है. इसी में हमारा एथलेटिक्स के अंदर ही जो थर्ड आता है वो है आपका शॉट पुट है. देन नेक्स्ट है आपका डिस्कस थ्रो एंड आफ्टर दैट जेवलिन थ्रो. इन सब के बारे में हमने स्टडी करनी है. देन लास्ट फिफ्थ जो आपकी गेम ये जो आती है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, वो आते हैं जंप्स. जंप्स कौन कौन से होते हैं, हाई जंप है, ट्रिपल जंप है, लॉन्ग जंप है. सो ये था आपका चैप्टर नंबर 7. ये जो टॉपिक हैं इसमें हम पढ़ेंगे. सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्रिकेट. फर्स्ट गेम हम स्टार्ट करेंगे क्रिकेट. आज हम पढ़ेंगे क्रिकेट की हिस्ट्री क्या है. सो क्रिकेट क्या है, एक मॉडर्न बॉल गेम है. इसको स्टार्ट किसने किया था, ब्रिटिश ने किया था. कब किया था, 13th century में. क्रिकेट इज़ अ मॉडर्न बॉल गेम स्टार्टेड बाई द ब्रिटिशर्स इन द 13th century AD. It started as a game of the shepherds and become popular among other classes of England in 18th century. तो इनको ये जो क्रिकेट को, मैंने जैसे आपको बताया कि एक मॉडर्न बॉल गेम है, इसको स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने 13th century में. आफ्टर दैट क्या हुआ, इट स्टार्टेड, इसके बाद इस गेम को शेफर्ड्स ने स्टार्ट किया था. और जैसे ही शेफर्ड ने स्टार्ट किया, ये क्या होगी, पॉपुलर होगी, अदर क्लासेस ऑफ इंग्लैंड में बहुत पॉपुलर हुई. ये कब की बात है, 18th century की. इन 1760 अ क्लब वॉज फॉर्म्ड इन इंग्लैंड टू फ्रेम द रूल्स ऑफ दिस गेम. तो क्या हुआ, 1760 में एक क्लब बना, जो कहाँ पे बना, इंग्लैंड में. बिकॉज 18th century में जो ये क्रिकेट गेम थी वो बहुत पॉपुलर हुई थी, कहाँ, इंग्लैंड में. तो इंग्लैंड ने क्या किया, एक क्लब बनाया जो क्या करता था, जिसने क्या किया, जो ये जो गेम है क्रिकेट की, उसके रूल्स बनाए. आफ्टर सम टाइम, और उसके कुछ समय बाद क्या हुआ, अ क्लब नॉन एज मार्लेबर्न क्रिकेट क्लब और MCC वॉज फॉर्म्ड एट लॉर्ड्स इन लंडन. विद द पासेज ऑफ टाइम दिस क्लब गेन पॉपुलरिटी एंड बिकम द कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ दिस गेम. तो इसके बाद क्या हुआ, जब इंग्लैंड ने एक क्लब इंग्लैंड ने रूल्स वगैरह फ्रेम किए गेम के, तो कुछ समय के बाद एक क्लब बना जिसको हम मार्लेबोन क्रिकेट क्लब के नाम से जाना गया. इसको हम शॉर्ट में MCC भी कहते हैं. ये कहाँ पे बना था, लॉर्ड्स में, जो कि कहाँ पे है, लंदन में है. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पासेज ऑफ टाइम के साथ क्या हुआ, ये जो क्लब था MCC वाला, इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली और ये क्या बन गया, एक कंट्रोलिंग बॉडी बन गया क्रिकेट गेम की. नॉट ओनली इन इंग्लैंड बट इन अदर कंट्रीज़ ऑल्सो. सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं, ये जो मार्लेबोन क्रिकेट क्लब था, ये इंग्लैंड में ही पॉपुलर नहीं हुआ बल्कि अदर कंट्रीज़ में भी बहुत पॉपुलर हो गया. वेयर द गेम ऑफ क्रिकेट इज़ प्लेड, जहाँ जहाँ क्रिकेट गेम प्ले होती गई, ये वहाँ वहाँ पॉपुलर होता गया. क्रिकेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश रॉयल्टी. तो जो क्रिकेट गेम है वो इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस कराई, ब्रिटिशर्स ने. पारसी कम्युनिटी ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट टू टेक अप दिस गेम इन 1848 बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद द ब्रिटिश पीपल. तो इंडिया में जो क्रिकेट गेम है वो कौन लेके आए, ब्रिटिशर्स लेके आए. जो पारसी कम्युनिटी थी इंडिया की, वो फर्स्ट थे जिन्होंने इस गेम को यहाँ तक लाया. कब लाया, 1848 में, बिकॉज ऑफ अदर एसोसिएशन विद द, क्योंकि पारसी जो कम्युनिटी थी उनकी जो एसोसिएशन थी वो किनके साथ थी, ब्रिटिश पीपल्स के साथ थी. तो ब्रिटिश पीपल्स जो थे वो इस गेम को फर्स्टली वही प्ले करते थे. दे फॉर्म क्लब्स एंड प्ले क्रिकेट मैचेस विद देम. उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने क्लब्स बनाने शुरू कर दिए और जो क्रिकेट गेम है वो उसके मैचेस लगाने शुरू कर दिए प्लेयर्स के साथ.
स्लोली क्रिकेट बिकम पॉपुलर इन अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया. धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो क्रिकेट इंडिया में आने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये अदर सिटीज़ जो हैं इंडिया की उसमें पॉपुलर होने लगा, लाइक दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, हैदराबाद एंड बेंगलोर एट्सेट्रा. तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन सब सिटीज़ में भी क्रिकेट पॉपुलर होने लगा, हैव बिकम पॉपुलर सेंटर्स ऑफ क्रिकेट. सो हाउएवर मुंबई इज़ कंसिडर्ड टू बी द होम ऑफ क्रिकेट एंड हैज़ प्रोड्यूस्ड मैनी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स. तो क्या हुआ, उसके बाद जो मुंबई है उसको क्रिकेट में कंसीडर किया गया एज अ होम ऑफ क्रिकेट. तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड क्लास जो प्लेयर हैं वो कहाँ से हुए, मुंबई से हुए. लाइक इनमें आते हैं आपके विजय मर्चेंट, विजय हजार, हाँ यस हजारे, पॉली उमरी, हाँ पॉली उमरीगर, सुनील गावस्कर एंड सचिन तेंदुलकर. तो ये सारे प्लेयर्स कहाँ से हुए, फिर ये मुंबई से हुए. इन दिल्ली रोशनारा क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन 1920. देन उसके बाद क्या हुआ, 1920 में एक क्लब बना दिल्ली में जिसका नाम था रोशनारा क्रिकेट क्लब, द महाराज कुमार ऑफ विजयनगरम एंड राजा भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला वर ग्रेट एडमायरर्स एंड प्रोमोटर्स ऑफ क्रिकेट. तो जब दिल्ली में एक रोशनारा क्लब बना 1920 में, उसके बाद क्या हुआ, द महाराजा कुमार थे जो विजयनगरम से और राजा भूपेंद्र सिंह जो थे पटियाला से, ये क्या थे, ये दोनों क्या थे, ग्रेट एडमायरर्स थे. और ये क्या करते थे, क्रिकेट को बहुत इन्होंने प्रमोट किया. राजा भूपेंद्र सिंह डोनेटेड द रणजीत ट्रॉफी इन 1934 फॉर द नेशनल चैम्पियनशिप ऑफ क्रिकेट. जो राजा भूपेंद्र सिंह थे इन्होंने क्या किया, जो रणजीत ट्रॉफी है उसको डोनेट किया. कब किया, 1934 में, जिनके लिए जो नेशनल चैम्पियनशिप होती है क्रिकेट की उसमें. तो द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो जो इंडिया वॉज फॉर्म्ड, तो जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट है वो किसमें, इंडिया का में ही बना. ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया हमारे चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 7 के बारे में. तो ये आपका कंबाइंड लेक्चर रहेगा प्रीवियस और आज वाला. तो जिसमें हमने डिस्कस किया चैप्टर में कौन कौन सी गेम पढ़ेंगे, उनमें कौन कौन सा उसका जो पार्ट्स रहेंगे, और इसी के साथ हमने न्यू गेम स्टार्ट की दैट इज़ क्रिकेट, और इसकी हिस्ट्री को हमने डिस्कस किया. सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड.